वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर मेरे मायके और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे घर वालों से मिलने के लिए, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार ही होने वाला है। इसके पहले भी मैं घर गई हूँ बट अभी पहली बार होने वाले कि जहाँ जाके मैं काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ घर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इतने दिन अपने घर वालों के साथ स्पेंड करने के लिए। और अभी मेरे साथ जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, यहाँ पे ये बैठ के चार्ज कर रहे हैं फ़ोन। और आप बस को भी मैं दिखा देती हूँ, इतनी सुंदर बस है। यहाँ पे पिंक कर्टन्स है और यहाँ पे बहुत ही वाइड स्पेस है। अभी हमने सारा सामान ऐसे फेंक के रखा है, अभी इसको सेट करके हम लोग इधर कोने में रख देंगे। यहाँ पे कर्टन्स है और बढ़िया बाहर अच्छी विंडो दी है, बिल्कुल बस नई दिख रही है। और यहाँ पे पीछे दो सीट है, आप आराम से बैठ के मूवी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। और चार्जिंग की भी पॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बस तो बढ़िया है। और कल सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे 5:30 बजे ना, कल सुबह हम लोग 5 बजे करीब पहुँच जाएंगे रायपुर। और हमारी 7:30 को है ट्रेन रायपुर से भोपाल की, तो हम लोग रात तक पहुँच जाएंगे। सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और घर भी पहुँचेंगे। उसके बाद हमारे कई सारे प्लान्स हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे, तो आप ब्लॉग में आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये ब्लॉग को लास्ट तक देखना। ऐसा लग रहा है अपने ससुराल पहुँच के, तो बहुत अच्छा लग रहा है और तुमको भी लग रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं भोपाल। यहाँ पे ये लोग चले गए ऑर्डर करने के लिए खाना। जस्ट हम लोग पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन से, हम लोग थोड़ी सी दूर आए होंगे लाइक 1 किलोमीटर समथिंग, और आके हम लोग यहाँ खाने के लिए रुक गए जबकि हम लोगों का पेट भरा है। पर भाई ने बोला है कि मैं जीजा जी को ये खिलाऊंगा, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है। तो बस हम लोग खा के फिर निकलेंगे घर की। और मेरी दादी, मम्मी, पापा सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं भी उनका वेट कर रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए। लेट्स गो। खा चलो नहीं, चलो तुम्हें नहीं दे रहे, ठीक है ठीक है। साड़ी मैंने दी थी ना पिछली बार, हाँ। अभी अब जब मैं आऊंगी ना नेक्स्ट टाइम, तब ये वाली साड़ी पहनना, ठीक है। मेरी दादी और यहाँ पे हस्बैंड जी दोनों मिलके कर रहे हैं नाश्ता, मैं भी कर रही हूँ। मुंबई से आया मेरा भाई, करो करो सलाम करो सबको। अच्छा रहता है। अभी हम लोग मौसम नहीं खा रहे हैं नहीं। और यहाँ पे अभी क्या हुआ था, विक्की मौसम भी उठाने गया, तो उसको लगा कि मौसम भी उठा लेगा, उसके मुंह में मौसम भी भरा हुआ है, दिखाओ उसका। और अभी मेरी वीडियो देखने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, देखो यहाँ से यहाँ पर। अभी बैठे नहीं है, बुलाया गया है, चिल्ला चिल्ला के आओ आओ। नहीं कोई नहीं बुलाया है, अभी आएंगी चाची उसके बाद लगाएगा, थोड़ा सा दिखाऊंगी, बाकी पूरा वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। पहुंच गए और यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप और इतनी ज्यादा भीड़ है,
कि पता नहीं हमें कब दर्शन होंगे और VIP दर्शन अभी बंद है तो हमें नॉर्मल दर्शन करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि कितनी देर में कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो दूरी कितनी है यहाँ। लंबी सी कॉरिडोर से हमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर चल के जाना था और यहाँ सारा मेरा परिवार है जिससे कि आप लोग देख सकते हैं। मौसम हो गया है ना, अभी बहुत तेज धूप थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दिया गया था, पैसे लेके आओ। अभी आज यात्रा निकलेगी करके हमें काफी ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग वो जो आपको दिख रहा है ना वो वहाँ पे मंदिर वहीं से आ जाते हैं, बहुत पास पड़ता 200 मीटर। अब हमें 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, बट जाएंगे हम लोग, महाकाल के दर्शन करने हैं। हम लोग भोर सुबह उठ के हम लोगों ने नहाया फिर आए, बड़ा मजा आया, उपवास है हम सब। जय महाकाल। ये देखिए बच्चों का देखा देखी, ये भी चालू हो गई लगाना, और दीदी भी लगवाएंगे अभी क्योंकि उनकी दोस्त ने लगवा लिया है। जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे शूज रैक थे जहाँ पे हम अपने जूते चप्पल सबको सबमिट कर सकते हैं, और ये था मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। जैसे हम अंदर जाते हैं तो एक बड़ी सी कॉरिडोर आती है। बहुत दूर है ना यहाँ से, ये कॉरिडोर है, मैं आपको दिखाती हूँ कॉरिडोर। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। महादेव के सामने पहुंचने तक भी आपको एक मंदिर के अंदर ही बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ पे भी रेलिंग सिस्टम था और यहाँ से हम लोग बाहर से अंदर आए हैं, अंदर से और अंदर हमको जाना है। आगे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है तो बीच में भी गेट खोल दिए, तो देखते हैं हम वहाँ से वहाँ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। ये है मेन मंदिर भगवान जी का, तो सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये है शिव जी की पालकी, जो बारात निकलती है ये वो पालकी यहाँ पे डेकोरेट हो रखी है। दर्शन करके जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक रेलिंग है जहाँ पे आप धागा बांध के अपनी मन्नत मांग सकते हैं। दर्शन हो चुके हैं, मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई थी उसका, और यहाँ पे अभी मैं आपको कॉरिडोर में दिखाती हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या स्टैचूज बने हुए हैं। हर जगह बस भीड़ ही भीड़ है। कॉरिडोर से हम आए थे, ये वही कॉरिडोर है, बट अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या स्टैचूज बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये कॉरिडोर है, यहाँ पे हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति बनी है। यहाँ पे 9 ग्रह है, अलग अलग ग्रह के अलग अलग देवता हैं यहाँ पे। और इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक पानी का इतना अच्छा सिस्टम दिया है और इतना ज़्यादा बड़ी जगह में बना है, यहाँ पे अच्छा फिल्टर्ड और कूल पानी आता है। और ये देखो अरे 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 लाल हो गई महादेव के दर्शन में आपको अंदर तो नहीं करा पाई, पर यहाँ लाइव स्क्रीन में सब कुछ लाइव चलता है। अभी दोपहर हो रही है और शाम की आरती के लिए यहाँ पे श्रृंगार चल रहा है, और यहाँ पे आप सभी चीज़ स्क्रीन पे देख सकते हैं, भले वो आरती हो, अभिषेक हो या फिर श्रृंगार हो। बाहर जब हम आए थे यहाँ पे कॉरिडोर में आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग दिखेगी शाम के टाइम पे। जो मौसम है वो भी अच्छा हो गया है, थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, धूप नहीं है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, कम से कम 3 से 4 लोग से ज़्यादा, अधिकतर इससे ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की। तो कैसे हैं आप लोग? दर्शन हो गए हमारे, हम भी ठीक हैं, आप बताइए। और अभी 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे करीब क्या निकलती है, सवारी शिव जी की सवारी निकलेगी 4 बजे करीब, जो मैंने आपको पालकी दिखाई थी उसमें। तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं और आपको जितनी सारी चीजें स्टैचूज होंगे वो आपको दिखाऊंगी, वो देखूंगा। और ये भोलेनाथ की सवारी है, आगे और भी स्टैचूज है। क्यों उनको नहीं दिख रहा है क्या स्टैचू? उन लोगों को नहीं दिख रहा स्टैचू क्या? उनका उनको क्या लग रहा है, क्या रियल है? किस चीज का ये नहीं पता ना, वो डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं पता? तुझे पता है ये जो पेंटिंग्स बनी है किस लिए बनी है?
ऐसी ये महा नहीं पागल, जो महाभारत हुआ था ना, महाभारत उसमें जो भी जितने भी सीन वगैरह थे ना, स्टोरीज वगैरह, वो यहाँ पे पेंट करी है। अगर आप घूमते घूमते थोड़ा थक गए हो तो यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा पानी है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती है, और यहाँ पे प्रसाद के लिए भी है, आप यहाँ से प्रसाद कलेक्ट कर सकते हो, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे सात ऋषि बने हैं और बीच में स्तंभ बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ महल बना है, आई डोंट नो, मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में। और ये एक रथ है जो कि तीन दानवों को मार रहे हैं, और विष्णु जी से इनने वरदान लिया था कि आप मुझे ऐसा रथ दीजिए जो मैं इन तीन राक्षसों को मार पाऊँ। फिर हम लोग गए थे इंदौर के फिनिक्स मॉल, जो इतना ज़्यादा सुंदर इंटीरियर था यहाँ का। शॉपिंग हो गई अभी हमारी, और हम लोग खाएंगे। अभी हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है, यहाँ पे शॉपिंग के बैग रखे हुए हैं, अभी हम लोग बैठे क्योंकि इतना ज्यादा थक गए कि हम पहले मंदिर गए थे, उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों से मिलना, रात में घूमना, और क्या चाहिए लाइफ से। ये मेरा फेवरेट पीठा है, फूली पीठा, काकी ने बनाया है। जो खाना मन कर रहा है खाने का, करेला नहीं है, करेला। खाना वगैरह खा लिया है चाचा के यहाँ पे, अब हम खेल रहे हैं कैरम। 1, 2, 3 and 4 जीत मैं रहा हूँ, और जीत मैं रही हूँ। फर्स्ट गेम हो चुका है, मैं विनर रही हूँ। सेकंड गेम अब तुम्हारा टर्न, देखते हो कितना कर सकते हो तुम। सोच रहे हो, ओ एक पॉइंट चले गया है, इसने भी एक ले लिया है, नहीं दिखा पाया। अब मेरा टर्न है, अब मैं देखो कर पाती हूँ कि नहीं, नहीं कर पाई। तो करी नहीं। अभी हम लोग शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग हमारी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो अभी हमारे पास 8 बजे का शो है, अभी बज रहा है 7:45 हो रहा है, तो सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट में हमको पहुँचना है। और ट्रैफिक देखो आप कितना ज्यादा लग रहा है, पता नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग जो मूवी देखने जा रहे हैं वो है डेड पुल। इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो तुम, अगर 5 मिनट मूवी लेट हो जाएगी तो कुछ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए हो जाएगा, आप देखते नहीं मार्वल की मूवी। अरे तो देखती हूँ ना, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि ठोकते हुए चले जाओ तुम लोग। ठोक किसको रहे, मुझे वो किसी तेज गाड़ी चला रहे हैं। क्या तेज चला रहे, 40 की स्पीड में चला रहे, 50 की स्पीड में। अभी कम कर, अरे वो 50 की स्पीड ही है, झूठ झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और विक्की तो मान ही नहीं रही कि हम लोग पहुँच पाएंगे, 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, हम लोग स्टोरी नहीं समझ आएगा अपने को। 5 मिनट में तो वह स्टोरी समझ नहीं आएगी ना, देख लो इन लोगों को, हमको डायरेक्टर कौन है। इतनी ज्यादा तेज गाड़ी चल रही है कि यहाँ पे देखो पसीना आ गया। 60-70 की स्पीड में चल रही है। चलो ये देखो 80, अभी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इतनी गाड़ी में 100 के बीच में जाएंगे, इतने पागल समझ रहे हो। बस हम लोग पहुँच ही गए, थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है इनको, मोबाइल इन लोगों को पता है। महान बन के मरने का शौक जाग। मूवी हमारी खत्म हो चुकी है, डेडपूल मूवी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो ये इनको एक काम करते हैं, इनका इनको अनसब्सक्राइब करो अभी के अभी।
तो मुझे मूवी पसंद नहीं आई, मुझे नहीं पसंद आई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, 11 बज चुके हैं तो ऑप्शंस भी थोड़े कम है, पर ठीक है हम लोग जाते हैं अपनी पेट पूजा करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज भूख लग गई है। इतना ओवर एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग कहाँ कर रही हूँ मैं, तो बता रही हूँ ओवर एक्टिंग का है। कल जा रहे हो ना घर, कल घर जा रहे हो ना, शांति। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब खाना पीना करते हैं उसके बाद घर जाएंगे। चिकन फ्राई, चिकन नूडल्स, और ये खाना स्टार्ट भी कर दिया है और ये वेट कर रहा है कि मैं कब वीडियो करूंगी और ये खाना लेगा क्योंकि मैंने इसको मना कर दिया था। हम लोग जाएंगे घर खाना वाना खा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई होप यू लाइक इट। दिखाया क्या आपने?